2009 is the old scheme. So let's discuss for prelims specific 2020 के लिए. Now, राष्ट्रीय आरोग्य निधि एक गवर्नमेंट स्कीम है which formerly was known as National Illness Assistance Fund, जो 1997 में स्टार्ट हुई थी. Okay, so 1997 में ये स्कीम स्टार्ट हुई थी with an initial contribution of 5 crore made by Ministry of Health and Family Welfare. Now, what is the exact objective? राष्ट्रीय आरोग्य निधि का major objective होता है to provide financial assistance to people who are below poverty line, जो गरीबी रेखा के नीचे है, focus उन पर ज्यादा होगा, suffering from major life-threatening diseases like kidney disease, heart disease, cancer. और गवर्नमेंट विल प्रोवाइड, इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट एट एनी सुपर स्पेशलिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूट्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. तो यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए होता है लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज में. एंड द थर्ड एस्पेक्ट इज कि द फोकस इज ऑन ट्रीटमेंट इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूट्स. नाउ वी ऑल नो दैट लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज इंडिया में, स्पेशली जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, एनसीडीज जिनको बोलते हैं, दे आर यू नो दे हैव अ ह्यूज यू नो outreach in terms of the population. And यहाँ पर कई बार early diagnostic and treatment is very important so that procedural delay is not there. For example, अगर इंडिया के हम top 10 causes of death अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो heart attack or failure is the top most cause, almost 16% अगर आप देखते हो. Lung disease, you know, stroke, brain hemorrhage, bronchitis, pneumonia, diarrheal disease, tuberculosis, diabetes, chronic kidney disease, preterm birth, road injuries. तो ये top 10 causes हैं. और यहाँ पर you know, you need medical treatment, or medical treatment especially for below poverty line, because they do not have access to resources and money. और दूसरी बात ये है कि जो Indian hospitals हैं, not every hospital is equipped. Even government hospital में जाते हैं तो वहाँ पे भी जो you know treatment तो मिल जाता है, you know maybe operations भी हो सकते हैं, but many a times you need certain kind of medical equipment or maybe some kind of device आपके body में, कुछ you know external you know कुछ you know जैसे मशीन लगानी हो, पेसमेकर लगाना हो, तो उसका कॉस्ट यू नो गवर्नमेंट बियर नहीं करती. एंड फॉर दैट प्रॉब्ली यू नो दिस स्कीम विल हेल्प. इनिशियल कंट्रीब्यूशन इज डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, बट द यू नो फंडिंग कैन बी मेड बाय इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट बॉडीज, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, फिलेंथ्रॉपिक ऑर्गेनाइजेशंस, ईदर इन इंडिया और अब्रॉड. यानी बाहर से भी पैसा आ सकता है. द फिलेंथ्रॉपी मनी कैन ऑल्सो बी यूज एज एन इंडिविजुअल, आप भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. एंड फॉरन मनी कैन कम बट after approval of Foreign Contribution Regulation Act. ठीक है, तो no, that is how it is there. And people who make contribution in RN, they are exempted under payment of income tax under 80G of Income Tax Act 1961. So this, you know, अगर इस स्कीम आएगी तो ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एलोकेशन ऑफ फंड अगर आप देखने जाते हैं बजट में, तो आप यू कैन गो एंड सी द एक्सपेंडिचर बजट वेयर इट इज मेंशन कि RN में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर में ये स्पेंडिंग्स हुई है. नाउ एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि भाई ऑलरेडी अभी हमने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था आयुष्मान भारत पीएम जय, दैट इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जहां पर बेनिफिट मिलता है, तो इसमें उसमें क्या फर्क है. नाउ द प्रॉब्लम हियर इज दैट इन जन आरोग्य योजना द बेनिफिट इज ओनली अप टू 5 लाख, 5 लाख तक का बेनिफिट मिलता है. व्हाट इफ द ट्रीटमेंट कॉस्ट बियॉन्ड गोज बियॉन्ड 5 लाख, एंड हियर राष्ट्रीय आरोग्य निधि विल कम इन टू यू नो इन टू पिक्चर, एंड हियर दे कैन प्रोवाइड ग्रांट अप टू 15 लाख वन टाइम. So that is the difference between Ayushman Bharat and Rashtriya Arogya Nidhi. Okay, so that completes the video. Thank you very much.